घटनानी। पश्चिम बंगाल बीरभूम में अग्निकांड 72 कलाक बाद ममता बनर्जी घटनास्थले पहुंची गया। मुख्यप्रधान ममता बनर्जी बीरभूम हिंसा पीड़ित परिवार ने मळवा पहुंचा था। परिवारजनों ने मळी ने मृतक परिजनों ने 5 लाख रूपया की सहाय अने जेना जे घर है ते आग में सड़गी गया है तेमने 2-2 लाख की सहाय की जाहरात करी। तो जेटला मृतकों से 10 लोगना परिवारजनों ने नौकरी आपवानी खातरी आपी। ममता बनर्जीए पीड़ित परिवारों साथे पण वात करी अने जानकारी जे प्रकारनी मळी रही छे ते अनुसार जे केटलाक लोको ते हाजर हता तेओनी आँखमां आँसू आवी गया त्यारे ममताए तेमने पाणी पीवड़ावीने तेमना आँसू लूछे। आ साथे ज ममता बनर्जीए खातरी आपी के जवाबदारोने जरूर सजा मळशे अने आरोपीओनी धरपकड़ करवानो आदेश पण आपी दीधो। एटलू ज नहीं, जे पुलिस कर्मचारी की चूक थई छे तेनी सामे पण कार्यवाही करवा अने साक्षीओ ने सुरक्षा आपवानो आदेश मुख्यप्रधाने आप्यो। बीजी तरफ ममता बनर्जी बीरभूम पहुंचा ते पहला तेमना स्वागत माटे गेट बनाववामां आव्यो, गाममां सीसीटीवी पण लगावी देवाया। पश्चिम बंगाळना बीरभूम हिंसा मामले राजनीति तेज थई गई छे। ममता बनर्जी पीड़ित परिवार की मुलाकाते पहुंचा तेना पर भाजपे सवाल उठाव्या। बीरभूममां तोरण अने ममताना स्वागत माटे गेट बनावता भाजपे सवाल उठाव्या। संबित पात्राए कहूं कि जश्न मनावा गया हता कि शोक मनावा, आ सवाल तेमणे पूछ्यो। साथे ज तेओए उमेर्युं के 100 हत्या करावी दीदी बीरभूम पहुंच्या छे, લોકોને સળગાવીને મારી નાખ્યા અને સ્વાગત માટે હોર્ડિંગ લગાવ્યા હોવાનો પણ આરોપ સંબિત પાત્રાએ લગાવ્યો। સૌ હત્યાએ કરવા કરકે દીદી હજ કો ચલીએ, ખુદ હત્યાએ કરવાઓ ઓર ફિર હોર્ડિંગ પોસ્ટર લગવા કરકે આ બીરભૂમ પહોંચ જાઓ। યે હિન્દુસ્તાન હૈ, યહાં કી સંવેદનશીલ જનતા સબ દેખ રહી હૈ। आज ममता बनर्जी जाके वहां बोल रही है क्यों नहीं पुलिस गया, क्यों पोस्टिंग नहीं हुई, और वो बोले उसको अरेस्ट करो। चीफ मिनिस्टर बोलेगा नाम तो पुलिस अरेस्ट करेगा, ऐसा पुलिस है? इसके लिए गवर्नर जिम्मेदार है क्या? तो इनके पास कोई कोई इशू नहीं रहता तो गवर्नर के पीछे पड़ जाते हैं, तो वही हुआ है। इतना निकम्मा सरकार देश में कहीं नहीं है। 355 की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी की, आप लोगों की भी नहीं? हम लोगों ने भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप डिमांड की है, क्योंकि कानून व्यवस्था टूट चुकी है, सरकार नाकाम हो चुकी है। इसलिए वहां की लोगों को जान माल का सुरक्षा और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए केंद्र को ही